फतेहपुर की पंचायत सुनेट में करीब 25 वर्ष पूर्व पंचायत द्वारा एक बढ़िया भवन बनाया था, जो बिना अपना मकसद पूरा किए ही खंडर में तब्दील हो गया है। भवन के नजदीक रहने वाले रशीद व कमल सिंह ने बताया कि उपरोक्त भवन करीब 25 वर्ष पूर्व पंचायत द्वारा स्कूल चलवाने के मकसद से बनाया गया था, लेकिन भवन बनने के बाद भी जहां पर स्कूल नहीं खुल पाया, जिससे कुछ लोगों का तर्क था कि नजदीक तालाब होने के कारण इस भवन में स्कूल ना चलाया जाए। वहीं यह भी कहा जाता रहा कि भवन के नीचे कुछ निजी मालिकों की मलकियत भूमि निकली थी, जिस कारण भी स्कूल में कक्षाएं बिठाने की शुरुआत नहीं हो पाई। वहीं झाड़ियों से घिरा हुआ भवन किस फंड से बनाया गया है, यह भी अभी एक तरफ साफ नहीं हो पाया। इस पर जब पंचायत सचिव से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि उन्हें उपरोक्त भवन की जानकारी नहीं है। क्या नाम है आपका? लश्करी जी। कौन सी पंचायत की हो? सुनेट जी। सुनेट पंचायत। कौन सा वार्ड है? ये वार्ड है तीसरा। अच्छा जी, आपके यहाँ घरों के पास एक पुरानी बिल्डिंग है, जर्जर हो चुकी है जी। ये किस मकसद के लिए बनाई गई थी? स्कूल बनाया है। किसने बनाया था? ये सर्वजीत प्रधान था। प्रधान थे, उन्होंने अपनी तरफ से बनाया, पंचायत फंड से? पंचायत से। अच्छा, फिर यहाँ पे क्लासे लगी? बच्चे आए? कोई नहीं लगी। बच्चे पढ़ने नहीं आए? तो इसी खिड़की दरवाजे लगे थे? हाँ लगे सब। तब ये उखड़ गए? वो उखड़ गए जी। अच्छा, ले गए लोग? ले गए या सड़ गए? लोग ही ले गए जी। अच्छा, मतलब बच्चे आए नहीं इस बिल्डिंग में ना? बच्चे नहीं आए। ये कितने का टाइम पुराना हुआ? मेरे ख्याल से कोई 25 साल पहले की बात है। अच्छा, तो ये सुनेट ही पढ़ता है? हाँ जी सुनेट। क्या नाम है आपका? कमल सिंह। कमल सिंह, ये पंचायत सुनेट पढ़ती है जी। जो आपके पीछे एक खंडर सा भवन बना हुआ, ये किस लिए बनाया गया था? ये स्कूल के बारे में। स्कूल में बनाया किसने था जी? सर जी जो पहले हुआ करते थे सुनेट पंचायत के, उन्होंने बनाया था। यहाँ बच्चे आए नहीं? कोई बच्चे एक बार भी नहीं बैठे, क्लास नहीं बैठी। तो ये स्कूल कहाँ शिफ्ट हो गया फिर? स्कूल ही नहीं हो गया, फिर गवर्नमेंट की जगह। हाँ जी, थोड़ी देर नुक्कड़ लगी तो जरा फिर बंद कर। अच्छा, कुछ मिलकीती निकली? हाँ जी, फिर बंद कर दिया। ये पंचायत का पैसा लगा हुआ है। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए फतेहपुर से सुरेंद्र मिन्हास की रिपोर्ट।